हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोहा का एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। हम आगे बढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में काफ़ी सारे मॉड्यूल के बारे में हमने बात किया था। आज हम एक और नया मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, वह है टूल्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टूल है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बहुत रेगुलर वर्क होता है, जो उसको थोड़ा कम करता है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके वर्क को थोड़ा मतलब जो लेंथी वर्क है उसको थोड़ा इजी वे में करने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और इससे हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली ये भी रेगुलर वर्क में ही काम आता है ज़्यादातर चीज़ें, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो ऐसे तो कोई काम नहीं आता, उस पर उतना ज़्यादा हम काम नहीं करते। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तीन कैटेगरी बनी हुई है, एक पैटर्न एंड सर्कुलेशन, एक कैटलॉग, एक एडिशनल टूल। तो सबसे पहले हम पैटर्न एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे। पैटर्न एंड सर्कुलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पैटर्न लिस्ट, पैटर्न क्लब, कमेंट्स। ये तीन चीज़ें जो हैं उतने ये नहीं है, उतना वर्क हम इस पर नहीं करते हैं। तीसरा वाला जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में क्या होता है कि मान लीजिए कोई यूज़र अपना ओपैक इंटरफेस से जो है कोई उसको क्वेरी करनी है या फिर कोई उसको कन्फ्यूजन है या कुछ है, तो वो ओपैक से क्या करता है कि कमेंट डालता है। तो जैसे ही कमेंट डालता है, कमेंट डालने के बाद वो कमेंट जो है वो प्रीव्यू के लिए हमारे स्टाफ इंटरफेस में, जैसे आप लॉग इन करेंगे तो फर्स्ट ही वो नोटिफिकेशन वहाँ पर दिखाएगा कि कोई यूज़र ने यहाँ पर कमेंट डाला है। तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि कैसे, मतलब जान सकते हैं कि कैसे यूज़र्स का जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से कमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़फुल चीज़ है। पर ये उतना ये नहीं होता क्योंकि यूज़र ज़्यादातर क्वेरी या तो डायरेक्ट सर्कुलेशन में आके करता है या फिर थ्रू और कोई ईमेल या इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। बट ये भी फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड नेक्स्ट जो है पैटर्न इम्पोर्ट। तो आज हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे, पैटर्न इम्पोर्ट, कि कैसे पैटर्न इंपोर्ट किया जाता है। पैटर्न मॉड्यूल में हमने देखा था कि नया पैटर्न जब आता है तो उसका नया रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फोटो अपलोडिंग कैसे होता है, उसका लिंक जो है, ट्यूटोरियल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि से वन बाय वन उसको कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है या कैसे किया जाता है। तो अगर एक दो या तीन यूज़र रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो पैटर्न मॉड्यूल से कर सकते हैं। मगर अगर बल्क में इंपोर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए कोई नया सेशन शुरू होता है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ रजिस्टर करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंटेक कैपेसिटी 100 है, 200 है, तो 300 है, तो अलग अलग कोर्सेज के मान लीजिए कि 500 एक साथ आ गए, तो 500 यूज़र्स को आपको रजिस्टर करना है। तो आप ऐसे एक एक करके करने में वो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर बल्क जो पैटर्न है, एक साथ सारा पैटर्न जो है वो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न इंपोर्ट वाला। तो इसके अंदर जाएंगे, जैसे ही इंपोर्ट, पैटर्न इंपोर्ट में अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे पैटर्न आपको इंपोर्ट करना है। ये वाला जो है, ये पोर्शन यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले इंपोर्ट करने से भी पहले आपको यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको बल्क में पैटर्न इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये वाला, जो कि इसका एक CSV फाइल फॉर्मेट है जिस पे आप सारा पैटर्न का जो है लिस्ट यहाँ पे डाल के आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये एक एक्सेल फाइल है बेसिकली। तो यहाँ पे एक एक करके आप सारा पैटर्न को पहले यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया रहता है कि कौन सा, वहाँ पे सारा हेडिंग दिया रहता है कौन सा फील्ड ज़रूरी है, कौन सा फील्ड आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हेयर जो है, कॉलम्स हेयर, ये वाला एक लिंक है। यहाँ पे आप जो है वो CSV फाइल जो है, या आसान भाषा में कहूँ कि ये एक्सेल फाइल है, तो आप यहाँ से क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मेरे मैंने पहले से एक डाउनलोड करके रखा है जो कि ये वाला है, कुछ इस तरीके से आपका डाउनलोड होके फाइल इस तरीके के दिखाएगा। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो ये एक्सेल फाइल की तरह ही, नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह ही दिखेगा। अगर आप उबंटू में या लिनक्स के कोई और फ्लेवर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा अलग दिखेगा, बट इसको जब आप ओपन करेंगे तो वो एक्सेल में ही खुलेगा। तो जैसे ही एक्सेल में मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, तो इस तरीके का कुछ फाइल फॉर्मेट ये है खुलेगा। तो सबसे पहला वाला जो रो है उस पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये वाले कॉलम जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि कार्ड नंबर, सरनेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, अदर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब सारे कौन सा सारा फील्ड जो है वो पहले दिया हुआ रहेगा। तो आपको जो करना है वो सारा फील्ड जो है वो भरना है। जैसे कि मैंने मुझे जो जो फील्ड चाहिए उस हिसाब से, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भरा हुआ है, जैसे कार्ड नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मैंडेटरी फील्ड है। तो सरनेम आप कार्ड नंबर आपको भरना है। तो आपके जैसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कार्ड नंबर आप देते हैं, कार्ड नंबर में एक चीज़ ये होता है कि कई इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन का जो आईडी कार्ड मिलता है वो आईडी कार्ड पे जो उनका रोल नंबर या जो भी दिया रहता है उसी को एज ए कार्ड लाइब्रेरी नंबर यूज़ करते हैं। बट कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी होता है कि उनको आईडी कार्ड जल्दी नहीं मिलता, डिले पे मिलता है, 6 महीने साल भर गुजर जाते हैं फिर जाके मिलता है, या फिर कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि लाइब्रेरी का अलग एक कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। तो उसका कैसे आप कार्ड नंबर बनाते हैं वो आपके ऊपर है, तो उस पर ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। एंड देन नेक्स्ट है सरनेम। तो नाम के यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे सरनेम जो है कोहा पे रजिस्टर करने के टाइम पे मैंने बताया था, पैटर्न रजिस्टर के टाइम पे, कि सरनेम जो है वो मैंडेटरी फील्ड होता है, आपको सरनेम डालना ही है, भले ही आप फर्स्ट नेम ना दो बट सरनेम डालना ही है। तो यहाँ पे सरनेम और फर्स्ट नेम जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो अब आपको अलग अलग ही एंट्री करनी पड़ेगी। देन उसका आप इनिशियल आप दे सकते हैं, मिस्टर, मिस, ये वो वगैरह दे सकते हैं आप। देन आपका एड्रेस डालना है, एड्रेस के बाद पूरा एड्रेस आप डाल सकते हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री नेम। देन दो चीज़ें आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है ईमेल आईडी और दूसरा है फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इनकेस अगर ना भी हो तो भी चलेगा, बट ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपका जैसे मेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो यूज़र का मतलब लाइब्रेरी में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारा जो है वो यूज़र को थ्रू ईमेल वो चला जाता है, कि आपके नाम पे कोई जब बुक इशू होता है या आप रिटर्न करते हो, रिन्यू करते हो, इस तरीके का जितने भी ट्रांजेक्शन लाइब्रेरी में होता है या तो वो सारा ईमेल में चला जाता है। तो ईमेल बहुत ज़रूरी है कि आप ईमेल एंटर करें। एंड देन नेक्स्ट ये और भी ऑल्टरनेट जैसे है, जैसे आपको शायद याद होगा कि पैटर्न रजिस्टर के टाइम पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फील्ड भी दिए हुए थे, ऑल्टरनेट एड्रेस जैसे था, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट जैसे था, तो उसको हम छोड़ देंगे। देन आगे बढ़ेंगे हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देन ये एक है मैंडेटरी फील्ड, ब्रांच कोड, कि आपकी लाइब्रेरी का ब्रांच कोड जो है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब ब्रांच कोड आपको कैसे मिलेगा वो अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे कोहा के मॉड्यूल में सॉरी कोहा में जाएंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, और वहाँ पे जाके जो सबसे पहला वाला बेसिक पैरामीटर है वहाँ पे लाइब्रेरीज में जाइए, वहाँ पे आपको जो है ब्रांच कोड आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी का नाम मत डालिए, वो नहीं लेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सिर्फ कोड को ही एक्सेप्ट करता है। तो ये जो कोड है आपका इसी को आपको एक्सेप्ट करेगा, तो यही वाला आपको ब्रांच कोड में यहाँ पे डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे CL डाला है। देन नेक्स्ट है कैटेगरी कोड, ये भी एक मैंडेटरी फील्ड है, आपको कैटेगरी कोड भरना ही है वरना वो नहीं लेगा। जैसे कैटेगरी कोड आपको जैसे कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे बेसिक पैरामीटर में आपको लाइब्रेरी का कोड मिला, पैटर्न कैटेगरी में आपको कैटेगरी पैटर्न का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कोड आपको डालना है। याद रहे आपको पैटर्न का नाम नहीं डालना है, जैसे आपको कैटेगरी नाम डाला था कि स्टूडेंट है, स्टाफ है, फैकल्टी है, ये नहीं डालना है, कोड डालना है। जो ये है जैसे मैंने ये कोड दिया है, फैकल्टी के लिए FSC, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए LS, अंडर ग्रेजुएट के लिए UG, आप भी डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए PG, स्टाफ के लिए SF, इस तरीके से आपको कोड डालना है। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा। देन आपका है क्या कि डेट एनरोल, डेट एनरोल में आपका जो है कि कब उसको रजिस्टर कर रहे हैं आप, उस जो
आपका नया सेशन शुरू हुआ है या इस तरीके का जो भी है आप कब उसको रजिस्टर कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे है एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब कि वो यूज़र जो है उसका अकाउंट जो है वो कब तक वैलिड रहेगा, ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है। तो ये डेट अब जब डालें तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोटिस करें कि मैंने डेट जो है वो रिवर्स फॉर्मेट में डाला है, पहले ईयर दिया है उसके बाद मंथ दिया है उसके बाद डेट दिया है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नोट जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे नोट आपको पढ़ना चाहिए, ये नोट जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक दिया होगा कि स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट कैसे दिया हो, ये लास्ट में दिया है कि स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट जो है वो आप कैसे देंगे, इसी फॉर्मेट में आपको डेट जो है वो एंटर करनी होगी या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप पैटर्न रिपोर्ट करेंगे आपका अगर डेट फॉर्मेट सही नहीं हुआ तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आप पहले डेट मंथ ईयर भी कर सकते हैं, और इसके इस फॉर्मेट में जब आप करेंगे तो आपका ये स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपका ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं कि ईयर मंथ एंड देन डेट, बट इस फॉर्मेट में जब आप करेंगे तो आपको बीच में हाइफ़न लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये वाला फॉर्मेट जो है ये वाला डाला है, यहाँ पे देखिए ईयर मंथ एंड डेट उसके एंड बीच में मैंने हाइफ़न डाली है। तो इस तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको जो डेट जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, ये सारे फील्ड भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने इसको स्किप किया है। यहाँ पे आपका जेंडर पूछा है, सेक्स जो है ये मेल फीमेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद है पासवर्ड, जो आपका यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा, यूपैक से जो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के लिए जो आईडी पासवर्ड चाहिए वो आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो डाला है। ये वाला मैंने दिया है कि जो हम कार्ड नंबर रख रहे हैं, जैसे पहले वाले कॉलम में कार्ड नंबर, यूज़र वाला कार्ड नंबर दिया था, उसी को मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड ऐसे डाला है। ये एक चीज़ है, आप अलग भी कर सकते हैं, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट रखा है कि ताकि अलग अलग वो यूज़र आईडी पासवर्ड मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रखा है। अगर यूज़र चाहे तो ओपैक से वो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, वो ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है, एंड देन आई थिंक और कोई ऑप्शन यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया है। तो ये सारे जो है लगभग फील्ड में इस ये रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे फील्ड आप भर सकते हैं, आप कोई अदर फील्ड भी भर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है ये फाइल आप बना लीजिए, एंड देन एक और ज़रूरी बात, जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो फाइल सेव करने के टाइम आपको याद रहे कि जो आपका फाइल जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपका .csv में ही होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एक और भी है कि अगर csv.csv फाइल ना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका ज़रूरी ये है कि आपका जो है .csv फाइल नेम से ही आपका सेव हो। तो ये वाला भी आपको ध्यान देना है कि सेव करने के टाइम पे आप इसी फॉर्मेट में सेव करें। देखिए मैंने इसी फॉर्मेट में यहाँ पे सेव किया है, पैटर्न इम्पोर्ट .csv, बिकॉज ये अगर नहीं हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड करते हैं वो भी csv फाइल ही है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट जो है वो csv फाइल में ही एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही आपका ये जो है पैटर्न ये जो है वो रजिस्टर आपने कर लिया यहाँ पे सारा, और आपने सेव कर लिया जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका होगा, मतलब नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो यहाँ पे है इम्पोर्ट करना। तो इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो है इसी ऑप्शन में, इसी पेज में आपका इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्राउज वाला जो ऑप्शन है, ब्राउज पे आप क्लिक कीजिए, और जो आपका फाइल है उस फाइल को चूज़ कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे फाइल जो है वो चूज़ कर लिया है। अब दूसरा जो है एक चीज़ यहाँ पे आप एक नोटिस कर लीजिए कि फील्ड टू यूज़ फॉर रिकॉर्ड मैचिंग, कि मान लीजिए आपका रिकॉर्ड मैच करने के लिए अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हुआ है, तो रिकॉर्ड मैच करने के लिए आपका यह है कार्ड नंबर, कि कार्ड नंबर जो आपने डाला है, आईडी नंबर जो आपने यूज़ किया है, वो इससे वो जो एग्जिस्टिंग अगर आपके इसमें डेटा होगा तो वो उस रिकॉर्ड से मैच करेगा। अगर कोई कार्ड नंबर वहाँ पे मिल जाता है, सेम कार्ड नंबर या सेम आइडेंटिटी उसको मिल जाती है, तो वो वाला जो है इम्पोर्ट नहीं होगा, वो स्किप कर जाएगा। तो ये रिकॉर्ड मैचिंग के लिए ये वाला कार्ड नंबर रखते हैं, एंड देन ये वाला और कोई फील्ड आपको नहीं भरने हैं, ये सब ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे फिल कर लिया है, तो कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, सब कुछ छोड़ दीजिए। एंड देन लास्ट में आ जाइए पूरा, इफ़ मैचिंग रिकॉर्ड इज़ ऑलरेडी इन द बोरोअर्स टेबल, मतलब कि अगर आप मैच कोई फाउंड करता है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इग्नोर वन दिस वन कीप द एग्जिस्टिंग वन, मतलब कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको रखेगा और यहाँ पे एक्सेल फाइल पे जो है वो स्किप कर जाएगा।
एक यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वन विद विद दिस, मतलब कि जो आपका एक्सेल फाइल में जो रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए कि जो कोहा पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको आप चेंज अगर करना चाहते हैं, उसी रिकॉर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन वाला आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई फाइल आपने अपलोड किया और वहाँ पर कोई डेटा जो है वो गलत आ गया, वो सही नहीं आया, गलत आ गया, मतलब मान लीजिए 50 आपने यहाँ पे बल्क इंपोर्ट किया और 50 में एक फील्ड जो है वो सारा पूरा फील्ड ही गलत आ गया, तो आप यहाँ पे जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, सेम फाइल को एक्सेल फाइल में अपडेट करके यहाँ पे ओवरराइड वाला चूज़ कीजिए, तो वो क्या करेगा, नया फाइल नहीं, नया रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, वो पुराने रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड हैं उसी को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एंड देन इसका ये है पैटर्न एट्रीब्यूट्स, उसके पैटर्न एट्रीब्यूट्स का क्या है, रिप्लेस ऑल पैटर्न एट्रीब्यूट्स एंड रिप्लेस ओनली इंक्लूड पैटर्न एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो है बाय डिफॉल्ट जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे, एंड देन और कुछ नहीं करना है, बस सीधा इम्पोर्ट कर देना है। तो इम्पोर्ट जैसे कि मेरा छोटा फाइल था तो उसमें टाइम कम लगेगा, आपका अगर फाइल बड़ा है, फाइल साइज बड़ा है तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे। अगर आपका सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाता है तो आपको दिखाएगा कि आपका सारा कितना रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, अगर नहीं होता है, देखिए जैसे मेरा ये इंपोर्ट जो है ये सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मैसेज दे रहा है कि 20 इंपोर्टेड रिकॉर्ड्स, मेरे यहाँ पे 20 ही रिकॉर्ड थे तो मुझे यहाँ पे मैसेज देखा दिया। अगर किसी कारण ये इंपोर्ट नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर कोई फील्ड मैच नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ जो फीडबैक दिखा रहा है यहाँ पे आपका सारा मैसेज दिखा देगा कि कहाँ पे आपका एरर आ रहा है, और वो येलो कलर से हाईलाइटेड होगा कि आपका इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो वो करके दिखा देगा। तो जैसे मेरा कि सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे ये फीडबैक दे रहा है कि देखिए ये नियम से ये सारा जो है वो इम्पोर्ट हुआ है। तो ये जैसे इम्पोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको अब हम चेक करेंगे, कोहा में जाके चेक करेंगे कि जो मेरा एक्चुअली रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आया है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने ये नंबर दिया था, कार्ड नंबर, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नंबर डाला था, तो जैसे ही आप नंबर यहाँ पे डालेंगे तो देखिए ये यूज़र का जो है वो डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे उस यूज़र का सारा डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी, हमारा पैटर्न इम्पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो आप अगर डिटेल्स पे यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पैटर्न मॉड्यूल पे सारा डिस्कस किया था कि आप यहाँ से क्या क्या यूज़र का क्या क्या चीज़ जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्टेड आउट है और ऊपर भी यहाँ पे लिस्टेड आउट है। तो इस तरीके से बल्क पैटर्न जो है वो पैटर्न आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक्सेल फाइल को अच्छी तरह से पहले सेव करना है, एक एक चीज़ जो है बारीकी से चेक करना है और चेक करके फिर अपलोड कर देना है। तो आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल टूल है कि आपका जब खास करके जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक साथ बहुत सारे यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आता है जब नया सेशन शुरू होता है, तो ये बहुत यूज़फुल टूल है, ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करिए। एंड थैंक यू हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमें बताइए कि यहाँ पे अगर कोई आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए, उस चीज़ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वीडियो में जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे और भी आने वाले हैं, हम टूल्स में और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो तब तक के लिए मिलते हैं आगे। थैंक यू।